तो देखो हमारा जो गोलगप्पा बना है कितना क्रिस्पी कितना क्रंची है, और ये आप लोग देख सकते हैं फुली फुली एकदम जबरदस्त। ये देखो बहुत ही आसान था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों आप लोग कभी सोचे हैं गोलगप्पा बनाते समय क्या गलती करता हूँ, मेरा पपड़ी क्यों बनता है? अगर ये वीडियो आज देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम आसान तरीका बताया हूँ ये वीडियो में। सिर्फ आप लोग अच्छे से एक बार देखो, उसके बाद बनाओ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी क्रंची बनेगी। और इसमें मैं दोनों तरह से बताया, हाथ से भी बताया और मशीन से भी बताया। अगर अच्छे से देखेंगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग ज़्यादा बनाते हैं 7-8 किलो, इसलिए हाथ से भी बेलते हैं और मशीन से भी बेलते हैं। बहुत अच्छा और बहुत एकदम सटीक। बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं हमारा जो गोलगप्पा बना है कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है, आप लोग खुद देख लो। अगर आप लोग देखेंगे तो देखो हमारा जो गोलगप्पा बना है कितना क्रिस्पी कितना क्रंची है, और ये आप लोग देख सकते हैं फुली फुली एकदम जबरदस्त। ये देखो बहुत ही आसान तरीका, एकदम परफेक्ट। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा जो रवा है हम इसको पहले मैं छान लूंगा पूरा जो है, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या क्या चीज मिलाना। अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। अब देखो ये हमारा रवा जो है इसको मैं अच्छे से छान लिया हूँ। छानने के बाद अब इसके अंदर ये देखो ये हमारा गेहूं का आटा, ये 1 किलो आटा इसमें से थोड़ा सा निकालूंगा मैं, ये 100 ग्राम के करीब निकाल लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारा बेसन, ये थोड़ा सा 200 ग्राम बेसन। अगर आप बाजार जैसा सोच रहे हैं बनाना तो बहुत ही ज़्यादा एकदम खास और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा आज का वीडियो ये। और एक चीज़ और, मैं जो ये आटा जो लगाने जा रहा हूँ मशीन से, अगर आप लोग सोच रहे हैं ये पानी पूरी बनाने के लिए मशीन लेना, तो ये जो आटा लगाने की मशीन एकदम परफेक्ट मशीन है ये हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें ही आटा लगाता हूँ आज करीब 1.5 महीने से, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है ये। बेसन डालने के बाद अब आप लोग देखेंगे तो ये हमारा खाने का सोडा, ये इसके अंदर डालूंगा 25 ग्राम में। ये 5 किलो रवा हमारा और 1 किलो 900 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम हमारा बेसन और 25 ग्राम खाने का सोडा। अब करूंगा मशीन चालू। अब आप लोग देख सकते हैं मशीन हो गया मेरा चालू, और ये चालू होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसको सबसे पहले मिक्स करना है ताकि हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर इसके अंदर। और ये हमारा जो मशीन है आप लोग देख सकते हैं, हमारा 5 किलो का मशीन है, इसमें 5 किलो का आटा बहुत ही आराम से लग जाएगा। उसके बाद अब ये मिक्स होने के बाद इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा जो सूजी आटा बेसन और जो खाने का सोडा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर इसको मैं नॉर्मल पानी डाल के इसका आटा लगाऊंगा, और सिर्फ ये सूजी और आटे का है। अब आप लोगों के सामने है, जो भी है अगर आप लोग सोच रहे हैं गोलगप्पा पानी पूरी बनाना तो बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर ये हिसाब से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा आपका। अब ये हमारा मिक्स होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेना है, और इसमें पानी कभी भी अपने हिसाब से अंदाज से 1-2 बार आटा लगाएंगे समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। चाहे 1 बार में डाल दो चाहे थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डालो। अब ये हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये, और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि मतलब हमारा आटा नरम है टाइट है, वो हिसाब से फिर आप इसमें पानी मिलाएं। अब आप लोग देख सकते हैं ऐसा सिर्फ इसके अंदर पानी डाल देना है बस ये, और ये जो है तुरंत मैं बनाऊंगा, ये नहीं है कि मैं शाम में आटा लगा के इसको सवेरे बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आटा लगा के तुरंत मसल के तुरंत इसका पानी पूरी बनाऊंगा और आप लोगों को रियल दिखाऊंगा सही है कि गलत है। अब आप लोग देखेंगे तो हमारा जो आटा है लगने वाला हो चुका है एकदम फर्स्ट क्लास, और इसको अपने हिसाब से आप लोग नरम टाइट जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कभी भी गोलगप्पा अगर बनाओ तो इसका जो आटा हमारा एकदम मीडियम रखना है, ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है, बिल्कुल एकदम मीडियम आटा रखना है। अब ये हो गया हमारा आटा लगा के रेडी। अब चलो मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा आटा लग के हो गया रेडी। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ फटाफट बाहर, और बाहर पॉलीथीन में निकाल के रखूंगा, बाहर नहीं रखना है इसको। अब ये आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा पॉलीथीन में एकदम अच्छे से दबा के रख लेना है ताकि हमारा आटा एकदम अच्छे से सेट हो, और एकदम जितना जल्दी सेट होगा उतना जल्दी इसको थोड़ा सा मसलना है थोड़ी देर छोड़ने के बाद।
इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारा आटा एकदम अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाए। ये जो भी अलग अलग लग रहा होगा आप लोगों को, अभी अलग अलग उठा के रख रहा हूँ तो सब एक जैसा हो जाएगा। अब ये ऐसा पूरा निकाल लूँगा। अब इसको देखो, ये पूरा आटा निकाल लिया मशीन से मैं। अब उसके बाद अब इसको ये हिसाब से छोड़ दूंगा थोड़ी देर रेस्ट के लिए, ताकि हमारा आटा जो है एकदम बढ़िया सेट हो जाए। उसके बाद फिर निकाल के मसलूंगा मैं इसको, और उसके बाद इसका लाट लगाएंगे। अब ये देखो, ये थोड़ी देर रखने के बाद इसको निकाल लेना है बाहर। ये अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एकदम, सबसे खास बात, अगर इसको थोड़ा भी हवा लगेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा कभी नहीं बनेगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। अब ये हिसाब से निकालने के बाद, अब निकालने के बाद ये हिसाब से इसको हम दबा के एकदम अच्छे से मेहनत से मसल के एकदम इसको थोड़ा सा हम करेंगे। सबसे पहले साफ के अच्छे से हमारा आटा जो है साफ हो जाए, उसके बाद फिर इसका कटिंग करके हम लाट लगाएंगे। ये हिसाब से दोनों तरफ से मसलेंगे, और इसको मसलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि मतलब इसको 2-3 मिनट 4 मिनट, कुछ नहीं, मुश्किल से 2 मिनट में दोनों तरफ से मसल दिए ना, थोड़ा सा हाथ मारे कि अच्छा बढ़िया साफ हो जाएगा आटा एकदम बढ़िया। अब एक तरफ से मसलने के बाद आप अगर देखेंगे तो इसको अब हम पलट के दूसरी तरफ मसलेंगे। ये हिसाब से ये हो गया, 1 मिनट इधर से और 1 मिनट इधर से। अब दोनों तरफ से ऐसा ही मसल लेना है। मसलने के बाद फिर इसका हम कर लेंगे कटिंग अच्छे से, ताकि हमारा जब लाट लगाए तो एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया लाट लग के रेडी हो, तब उसके बाद फिर हम इसका कटिंग करेंगे। अब ये हो गया हमारा मसल के रेडी, अब इसको हम कर लेंगे कटिंग। ये अब इसका ये हिसाब से कटिंग कर लेना है दोनों तरफ से, ये इधर से, अब उसके बाद इधर से, अब उसके बाद एक एक इसमें से ये निकाल लेना है। ये इधर आ गया पटरी के ऊपर, ये हिसाब से अगर अब इसको थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद फिर इसका कटिंग करना है। अब लंबा करने के बाद इसको दबा के हल्का सा चपटा कर लेना है, ये हिसाब से हल्का सा चपटा कर लेना है। अब ये हिसाब से इसका हम करेंगे सबसे पहले कटिंग, और कटिंग करने के बाद इसको वापस उठा के पॉलीथीन में ही रखना है। अब ये कटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये उठा के वापस ऐसा पॉलीथीन में ही रखना है। और इसको सबसे खास बात, हवा बिल्कुल ना लगे। अगर आप लोग कभी भी बनाए तो कोशिश करें कि थोड़ा पंखा अपना बंद करके रखें, ताकि हम जो गोलगप्पा बनाओ एकदम क्रिस्पी और करंची बने। अगर थोड़ा भी सूखेगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा आप थोड़ा सा जहाँ हवा ना लगे वहाँ बनाओ, उसके बाद एकदम बढ़िया और फर्स्ट क्लास बनेगा। अब ये हो गया हमारा उठा के रेडी, अब इसका हम बनाएंगे पेड़ा। ये इधर भी हो गया कटिंग, इधर भी हो गया कटिंग, और दोनों तरफ देखेंगे तो पॉलीथीन में उठा के रख रहे हैं। चलो अब इसका पेड़ा बना के फिर क्या करना आगे, अगर आप लोग बनाना सोच भी रहे हैं तो अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। अब ये देखो हमारा जो पेड़ा बनाने का तरीका है, ये अब ये हिसाब से इसका कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब इसको, आज मैं आप लोगों को स्पेशली मशीन जो मैं मंगाया हूँ, आज मशीन से ही प्रेस करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसा गोलगप्पा बनेगा वो भी, और जो रियल है एकदम रियल। आप लोग कमेंट में जरूर बताना अच्छा बनेगा तो बुरा बनेगा तो, और एकदम जो भी है A to Z। अगर आप लोग सोच रहे हैं गोलगप्पा बनाना गोलगप्पे वाले जैसा, तो बहुत आसान हो जाएगा एकदम। अब ये हिसाब से देखो इसका पेड़ा बना लेना है, एकदम एक साइज का कोशिश करें कि एक साइज का बने। अब एक साइज का देखो, ये हमारा अगर आप लोग ये जो पेड़ा बनके रेडी हुआ है लोही, और ये अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा हल्का सा लेना है हाथ में, ये 10 से 15 ग्राम, उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा मार देना है, और मारने के बाद बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से एकदम अच्छे से मिला देना है। ये एकदम अच्छे से इसके ऊपर मिला देना है। अब ये मिलाने के बाद इसको देखो हम निकाल लेंगे ऐसा अपना फिर से पॉलीथीन के अंदर, उसके बाद अब इसको हम जमाएंगे डाई के अंदर, जहां हमारा गोलगप्पा बनेगा एकदम, और वो गोलगप्पा एक साइज का बनेगा। अगर मैं आप लोगों को मशीन दिखाऊं तो इधर देखो, अभी आप हमारा हाथ से भी बेल रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से जल्दी कितने जल्दी हो इसलिए हम लोग मशीन से भी बनाएंगे। और देखो ये हमारा मशीन है ये। अब इसको हम चलो डाई में जमा के उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब तक हम लोग पेड़ा बनाएंगे जब तक ये हमारा डाई में जमा के रेडी कर लेंगे। अब ये हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो देखो, ये अब ये हिसाब से एकदम बढ़िया से जमा के इसके ऊपर ये फिर से आ गया प्लेट। अब ऐसा करके पूरा हम अच्छे से पूरा बढ़िया से जमा लेंगे पूरा, उसके बाद फिर इसको ले जाके मशीन में हम प्रेस करेंगे। ये आ गया डाई, ये डाई आने के बाद अब इसको इसके ऊपर फिर से हम ये हमारा जो पेड़ा है लोई है हमारा, अब ये हिसाब से ये लगा देंगे अच्छे से। बस सिर्फ इसके ऊपर कैसा भी आप उठा के फेंक दिए एकदम बढ़िया आपका
ये जब हम इसको प्रेस करेंगे तो एक साइज का ही आपका गोलगप्पा बनेगा। और जो लोग एक दो आदमी हैं पानीपुरी गोलगप्पा बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत खास और बहुत ज़बरदस्त होगा ये मशीन। और हम लोग ज़्यादा बनाते हैं इसलिए दोनों, देखो इधर हम मशीन में भी प्रेस कर रहे हैं और इधर हमारा बेल के भी रख रहे हैं ताकि हाथ बंद ना हो और जल्दी जल्दी हमारा काम भी हो जाए, इसलिए हम लोग दोनों से बनाते हैं। इधर देखो ये, अब ऐसा करके हम पूरा जमा लेंगे फटाफट, उसके बाद फिर ले जाके प्रेस करेंगे। अब ये हमारा पूरा जमाने के बाद जो हमारा ये हमारा जितना भी प्लेट है पूरा भर गया। अब देखो, अब हम लगाएंगे ये मशीन के अंदर, ये मशीन के अंदर ले जाके अब ऐसा अच्छे से इसको फिट कर देंगे। और ये मशीन का अगर आप लोग देखेंगे तो ये है मशीन का एड्रेस, आप लोग देख सकते हैं, यह है मोबाइल नंबर। अगर जो लोग भी सोच रहे हैं मंगाना, उनके लिए बहुत खास और बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत आसान तरीका है मंगाने का। चलो अब देखो, इसको हम पहले प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका साइज कैसा बनता है ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाए कि मतलब सही है कि गलत है। अब देखो, अब ये हिसाब से इसको प्रेस करना है, ये घुमा दिए अच्छे से। ये घुमाने के बाद अगर आप लोग देखेंगे, ये अब इसको थोड़ा सा घुमाने के बाद फिर इसको हम बीच में चेक कर लेंगे एक बार कि हमारे साइज में आया कि नहीं, उसके बाद फिर से लगेगा तो और दबा देंगे थोड़ा सा। अब ये देखो, दबाने के बाद अब इसको खोल के एक बार चेक कर लेंगे बीच में कि हमारा साइज सही है कि नहीं। अब देखो, ये हमारा साइज कुछ ऐसा है। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं हमारा साइज ऐसा कुछ है। थोड़ा सा इसको और हल्का सा दबा देंगे ताकि मतलब ना ज़्यादा छोटा रहे ना बड़ा रहे, इसलिए हम थोड़ा सा और दबाएंगे इसको अभी। अभी देखो, चेक करने के बाद हम थोड़ा सा और हल्का सा दबा देंगे ताकि हमारा परफेक्ट हो जाए। उसके बाद अब ये हम निकाल लेंगे इसको, ये हमारा हो गया परफेक्ट, एकदम रेडी। अब इसको हम खोल लेंगे, देखो ये अब इसको हम पूरा खोल लेंगे ताकि हमारा एकदम परफेक्ट बने गोलगप्पा। ये अभी ये हिसाब से हम पूरा खोल के, और खोलने के बाद अब इसको हम उठा के रख लेंगे ऐसा अपना कपड़े के ऊपर। ये अभी ये हिसाब से उठा के, ये दोनों समझो मशीन से भी और इससे फायदा ये है कि जैसा ये हमारा पूरा खाली होने के बाद प्लेट जो है कि मतलब फटाफट काम नहीं रुकता, हाथ नहीं रुकता, इसलिए जल्दी होता, इसलिए हम लोग उधर बेलन से जैसा मशीन पूरा प्लेट खाली होने के बाद बेलन से बेल लिया। और उसके बाद जब तक मशीन हो गया, मशीन के ये निकलने के बाद फिर इसका उठा उठा के रख लेते हैं। इससे क्या है कि जल्दी और फास्ट होगा काम हमारा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखो, अब ये हिसाब से पूरा खोल लेंगे, खोलने के बाद निकाल लेंगे, निकालने के बाद फिर ले जाके अब करेंगे हम फराई इसको। अब ये हिसाब से उठा के रखने के बाद थोड़ी देर इसको हम छोड़ेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद चलो मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगा हमारा गोलगप्पा जो फ्राई होके निकलेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पानी पूरी है फ्राई होना शुरू हो चुका है। और जबकि ये हमारा आप लोग देख सकते हैं मशीन वाला है, जो हम मशीन से बनाए हैं ये है। और अगर इसका साइज आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त। ये अभी आप लोग देखो, देखो कितना बढ़िया ये फूल रहा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा नज़दीक से तो अच्छे से समझ में आएगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा मशीन का है और जो फ्राई होके निकल रहा है वो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं ये, और कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है ये देखो, ये देखो बहुत ही आसान। अगर ये हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम घर पर बनाना तो बहुत आसानी से बना लेंगे। और जो मशीन का है सबसे खास बात, इसका साइज एक साइज है और जो फूलेगा तो एक साइज का ही फूलेगा। अगर देखेंगे तो इधर ये आप लोग देख सकते हैं जो फ्राई हमारा हो रहा है, तो देखो ये एक पपड़ी नहीं बनेगा अगर अच्छे से आप लोग ये हिसाब से अगर बना लेंगे ना तो एक पपड़ी इसमें से एक पपड़ी नहीं बनेगा। सिर्फ जो मैं तरीका बताऊं अगर अच्छे से तरीके से बना लेंगे तो ये अगर ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो साइज है, ये गोलगप्पे का साइज आप लोग देख सकते हैं और एक जैसा ही लग रहा है। अगर आप लोग यही हाथ से बेलेंगे ना तो छोटा बड़ा दिखेगा, लेकिन ये जो मशीन का है एकदम एक जैसा ही लगेगा। कभी भी जो फ्राई भी होगा तो एक जैसा ही रहेगा। और जो पपड़ी है और रियल में, और आप लोग देख सकते हैं
ये हिसाब से अगर सोच रहे हैं ना गोलगप्पा पानी पूरी पानी पतासा बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक दो आदमी अगर जो जैसे बेलने वाले हैं उनके लिए तो परेशानी रहता था, लेकिन अगर मशीन लेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना लेंगे। और ये है हमारा आज का गोलगप्पा, कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं और कैसा फूल रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा है कि बुरा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और स्पेशली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक ये वीडियो पहुँचे, कुछ उनका अच्छा हो। नमस्कार।